हेलो दोस्तों, मेरी एक फ्रेंड थी प्रिया वीरू करके, उसके हस्बैंड की अभी अभी जस्ट डेथ हो गई है। लगभग 15-20 दिन हुआ होगा दोस्तों। तो अभी उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा, आप सभी का मेरे चैनल रेखा मुंबई ब्लॉगर में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक किसी टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ दोस्तों, किसी के बारे में मैं बात करूँगी। आज मैं मेरे लिए वीडियो नहीं बना रही दोस्तों, मेरा कोई ब्लॉग नहीं है, मेरा कोई टॉपिक नहीं है, किसी और की टॉपिक है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी पूरी बात को सुनेंगे। बिना सुने आप समझ नहीं सकते कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ और मैं क्या आप लोग को बताने की कोशिश में लगी हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर बने रहिए और मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिए, तभी आप मेरी बातों को समझ सकते हैं। तो हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग वीडियो को स्किप ना कीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुने। कभी कभी बहुत लोग होते हैं वीडियो पूरी देखते नहीं हैं, बातों को ध्यान से सुनते नहीं हैं और फिर कमेंट करने लगते हैं, क्योंकि पूरी बात जब से आप सुनोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आता है, आधी बात में कुछ और समझ में आता है, कुछ और समझ में आता है। तो दोस्तों, यही मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग सुनिए मेरी बात को ध्यान से। ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं करूँगी, टॉपिक पर आती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, एक लेडी हैं, हमारी तरह ही हैं, मेरी ही उम्र की होंगी, या मेरे नहीं, मेरी उम्र की नहीं होंगी, मेरे से थोड़ी बहुत छोटी ही होंगी। उनका नाम है प्रिया वीरू करके। तो प्रिया वीरू दोस्तों यूट्यूबर हैं, वो मेरे साथ के यूट्यूबर हैं, मेरी फ्रेंड भी हैं। बहुत पहले ही हमारी मुलाकात इंस्टा पे ही हुई थी और यूट्यूब से ही हुई थी। तो हमारी इंस्टा पे मतलब लाइव बात भी होती थी प्रिया से। तो दोस्तों, वो पहले से ही उनका चैनल है, चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि वो मेरे साथ की ही हैं और उन्होंने वीडियो भी डालना बंद कर दिया था। तो दोस्तों, एक बार क्या हुआ ना कि प्रिया ने मेरे से बोला था, मैं मतलब बीच में आप लोग ने मेरी नीचे जाके मेरे वीडियो देखेंगे, तो मैंने निधि की दुनिया को लेके मैंने सपोर्ट में हेल्प में वीडियो बनाई थी। आरती हैं जो कि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, आरती ब्लॉग उनके चैनल का नाम है, उनके भी लिए मैंने वीडियो हेल्प के लिए वीडियो बनाया था दोस्तों। तो वो सब देख के प्रिया ने भी मुझे मजाक में बोला कि सीरियस बोला, मुझे नहीं पता, पर उसने मुझे कमेंट किया कि दी मेरी भी हेल्प करो। तो मैंने उसके चैनल देखे तो वो अच्छे खासे चैनल थे, तो मुझे लगा कि मैं उसकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक स्ट्रगल हूँ, तो उसकी मैं हेल्प, लगता है मजाक कर रही होगी। तो मैंने भी उसको वैसे ही रिप्लाई दिया जैसे उसने बोला था कि मैं खुद भी स्ट्रगल हूँ, तो मेरे वीडियो बनाने से आपकी कोई हेल्प नहीं हो सकती है डियर। तो टॉपिक वहीं ख़त्म हो गया था, उसने भी कुछ नहीं बोला और मैंने भी कुछ नहीं बोला। तो एक दिन अचानक क्या हुआ ना कि मैं लाइव आई थी, हम लाइव ही बात कर रहे थे, तो वो भी बोली कि दी ऐड मी, तो मैंने उसको ऐड किया। उस दिन मुझे अच्छे से याद है, उसने शायद पिंक कलर की, हाँ पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और बाल खुले रखे थे, बहुत अच्छी दिख रही थी, बहुत सुंदर दिख रही थी। तो जब मैंने उसको लाइव में लिया तो हम लोग हाय हेलो किए, बात किए, फिर अचानक पीछे से उसके हस्बैंड आए, अचानक उसके पीछे से हस्बैंड आए, तो ऐसे देखने लगी। तो फिर मैं बोली क्या हुआ, कौन है? तो बोल रही मेरे हस्बैंड है, ड्यूटी से आए हैं। तो उन्होंने भी पूछा कि कौन है, तो उसने बताया कि दी हैं, हम बात कर रहे हैं लाइव। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है लाइव। तो बाजू में जाके उसके बाजू में जस्ट वो बैठ गए, हमारी बात सुनने लगी। तो फिर हमारी उस दिन बात वत हुई, फिर अचानक दोस्तों क्या हुआ नहीं, एक ही हफ्ते नहीं हुआ होगा हमारी बात हुई, अचानक पता है लाइव में ही थी हमारी त्रिशा, हमारी जो फ्रेंड है, सब लोग हम बात ही कर रहे थे, अचानक उसका मैसेज आया एक हफ्ते बाद कि दी मेरे हस्बैंड नहीं रहे। तो सोचो ऐसी, मतलब मैं एकदम हिल गई, ऐसी मतलब सिर्फ कमेंट पढ़ ते ही मैं हिल गई। सोचो अगर मैं देखती तो मेरा उसको तो क्या मेरा हाल होता। और थोड़ी देर के लिए मैं एकदम सॉफ्ट हो गई, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब बंदी क्या बोल रही है, पागल हो गई क्या, ऐसे कुछ भी बोल रही है। तो मैं बोली क्या बकवास कर रही हो? तो फिर बोले नहीं दी सच्ची में। तो मैं बोली कि क्या हुआ, ऐसा कोरोना वरोना का कुछ था क्या? क्या अभी तो कोरोना का ही कहर चल रहा है, आप लोग जान ही रहे हो, तो सबको पहले वही माइंड में जाता है। तो बोले नहीं दी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो उनके हस्बैंड के साथ सोचो एक बोल रही थी, कुछ नहीं हुआ था, बस खांसी वसी आई, सांस वस फूला, मतलब ऐसे ही नॉर्मल से हुआ और उनकी डेथ हो गई। पता है उस दिन लाइव में मैं लगभग मतलब आधा पौने घंटे तक मैं डिस्टर्ब थी, मतलब मेरे दिमाग में वही चल रहा था, वही मेरे मन में ऐसा लग रहा था मैं जोर से रोऊं, क्या बोलूं, मतलब
कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो जो मेरे साथ के मेरे फ्रेंड लोग लाइव थे उन्होंने उन लोग ने मुझे समझाया कि आप उस बारे में बात ही मत करो, नहीं तो आप भी डिस्टर्ब हो रहे हो और चिंतित हो रहे हो, हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो टॉपिक को चेंज कर देते हैं। तो मुझे भी हाँ ठीक लगा, हाँ सही बात है, सब मेरी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। तो पता है अचानक पता नहीं अभी मुझे लग रहा है कि उस वक्त तो हम मजाक में, उसने बोला कि हाँ मेरी हेल्प करो, मैंने भी उससे रिप्लाई दिया मेरी हेल्प करने से कुछ नहीं होगा, पर आज मुझे दोस्तों पता नहीं क्यों लग रहा है ना कि नहीं हमें हेल्प करना चाहिए। तो आज मुझे यही लग रहा है, तो आज मैंने उसको प्रॉमिस किया, मैंने मैसेंजर में उससे मेरी पहले मैं उसी दिन बोली थी जब उसने बताया मुझे कमेंट में कि ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं उसको बोली कि ठीक है मैं तुमको पर्सनली कॉल करके बात करूँगी। पर दोस्तों मेरा क्या एक रीज़न है, मेरा मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कि अगर किसी का ऐसा कुछ हो जाता है ना बैड नीड ने, तो मैं उसे फ़ोन में प्रेजेंट ही नहीं कर पाती, मतलब फ़ोन में मैं उससे बात ही नहीं कर पाती हूँ, मेरे समझ में नहीं आता कि मैं उससे क्या बात करूँ, तो मैंने नहीं कॉल किया, मेरे मुझे हिम्मत ही नहीं हुई। तो आज जस्ट मुझे मैसेंजर में मेरी बात हुई, फिर मैंने वो रो रही थी, बोली दी मैं क्या करूँ मेरे समझ में नहीं आ रहे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आज दोस्तों पता है आज है कितना, शायद 8 तारीख है, और आज उसकी बेटी का बर्थडे है, और उसने स्टोरी लगाया था, मुझे स्टोरी देख के इतना रोना आ रहा था कि पप्पा नहीं है बेटा, बर्थडे कैसे हम मनाएंगे, कोई नहीं पप्पा नहीं तो मैं हूँ ना, वो चीज़ मुझे चुभ गई, और फिर उसी जरिए मैंने वही बर्थडे विश किया बेटी को, और फिर हमारी बात हुई, फिर मैंने उसको बोला ठीक है तुम 3 बजे हम लाइव आने वाले हैं, मेरी फ्रेंड है त्रिशा वो भी ऊपर है, वो हम दोनों एक में से दो में से हम लोग कोई भी आते हैं, बाकी भी मेरे फ्रेंड है वर्षा है, अरे बहुत सारे फ्रेंड है, अभी नाम लेने जाऊँगी तो शायद वीडियो लंबा इसी नाम में हो जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है त्रिशा तुम लाइव आओ और मैं जुड़ती हूँ, उसने भी मैसेज फ़ोन किया दी लाइव आओगे क्या, बोली नहीं तुम आ जाओ हम जुड़ते हैं। फिर मैंने वर्षा को रिक्वेस्ट पर्सनली, मैंने प्रिया के लिए वर्षा को रिक्वेस्ट किया कि तुम लाइव आओ, क्योंकि वर्षा के बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं दोस्तों, 50 के आज ही उसके कंप्लीट हुए, वही बताने के लिए वो भी मुझे मैसेज की थी कि दी मेरे 50,000 हो गए हैं, तो मैं तो पहले हैप्पी हो गई, फिर मुझे लगा कि आज मैं इसको वर्षा को मैं बोलती हूँ, तो वर्षा को मैं बोली वर्षा एक मिनट के लिए आना लाइव में पर तुम आना, क्योंकि मुझे लगा वर्षा आएगी तो बहुत उसके सारे फॉलोवर आएंगे तो मैं बात अपनी रख पाऊँगी और कुछ हेल्प हो सकेगा। तो दोस्तों फिर थोड़ी देर में वर्षा आई, फिर प्रिया को भी मैंने बोला था तुम लाइव जुड़ना आज, प्रिया भी लाइव आई, तो प्रिया को मैंने ऐड किया, त्रिशा को मैंने बता रखा था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और प्रिया पता है आई तो देख के सारे लोग हम लोग शॉक्ड रह गए, कम से कम 50-60 लोग हमें देख रहे थे लाइव में। फिर मैंने तो वो बहुत टाइम तक बेचारी प्रिया रोई, हम लोग भी रोने लगे, उनकी सासू माँ सोचो बाजू में बैठी थी, अभी बहुत ज़्यादा यंग है सासू माँ भी रो रही थी, देखा नहीं जा रहा था दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं मुद्दे की बात करती हूँ दोस्तों, तो अरे प्रिया का चैनल है प्रिया बीरू करके यूट्यूब पे, मैंने तो इसी से सारे वीडियो लंबा कर दिया दोस्तों, प्लीज़ मेरी बात को सुनना। तो प्रिया की हेल्प करनी है दोस्तों, किसे हेल्प करनी है मैं आप लोग को बताती हूँ, आप लोग को कुछ भी हेल्प नहीं करना है, कोई पैसे से किसी तरह से नहीं करना है, आप लोग सिर्फ जाओ प्रिया बीरू करके चैनल है, और मैं प्रिया के सारे वीडियो मैं यहाँ साइट में लगा दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा समझ लीजिएगा, और लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और चैनल का फ़ोटो भी खींच के मैं यहाँ डाल दूँगी ताकि आपको सर्च करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आप लोग को सिर्फ क्या करना है, चैनल पे जाना है प्रिया बीरू करके चैनल है, उसे सर्च करना है और उसे सब्सक्राइब करना है, उनकी वीडियो वॉच करना है। दोस्तों अभी वो वीडियो नहीं डाल पा रही हैं क्योंकि अभी यार 13वीं भी नहीं बीता है, सोचो उनके हस्बैंड का प्रिया के, तो 13वीं बीत जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगी, वैसे मैंने समझाया है, उनकी सासू माँ से भी बात किया है कि मम्मी जी प्लीज़ आप प्रिया का सपोर्ट करना जो करना चाहती है, क्योंकि ताकि वो भविष्य में आगे बढ़ पाए और अपने बच्चे की परवरिश कर सके, क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में माँ बाप के सिवा कोई हेल्प नहीं करता, ये आप लोग भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ जाके प्रिया को सपोर्ट करें, उसकी इंस्टा आईडी भी प्रिया बीरू करके है, वहाँ भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं, अगर आप DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। और एक बात मैं और बोलूँगी दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनकी हेल्प हुई, जैसे कि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा आरती,
निधि की दुनिया, कल्याणी ब्लॉग, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है। कल्याणी ब्लॉग और निधि की दुनिया का भी हस्बैंड का डेथ हुआ था, उस पर बहुत लोग ने वीडियो बनाई और उस बहुत लोग ने हेल्प की तो उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, हेल्प हुई। और आरती की भी हो रही है, उनके हस्बैंड की किडनी फेल हो गई है, अभी उनका इलाज चल रहा है, तो उनकी भी हेल्प हो रही है दोस्तों। उसी तरह आप प्रिया वीरू को भी सपोर्ट करें। और आरती, निधि और कल्याणी, अगर आप लोग कभी भी मेरा आप लोग तक वीडियो पहुंच रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग से तीनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूं, आप लोग की स्थिति सेम प्रिया के साथ भी हुआ है दोस्तों, तो आप लोग वो भी समझे और आप लोग सपोर्ट करें। अगर कल्याणी और निधि अगर सपोर्ट कर रही हैं तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, तो आप लोग उनकी भी स्थिति को समझो। प्रिया दीप को, कल्याणी और निधि, पर्सनली मैं आप लोग को बोल रही हूँ, प्लीज़ मैं अगर हो सकेगा आप लोग को कमेंट भी मैसेज में कमेंट करूंगी, फिर मेरे कमेंट करने से हो सकता है आप लोग इरिटेट हो जाओगे कि आ गई हेल्प मांगने, तो मैं मेरे लिए हेल्प नहीं मांग रही हूँ डियर। आप लोग की जैसे हेल्प हुई है उसी तरह आप प्रिया को भी समझे, प्रिया को भी हेल्प करें ताकि उनके चैनल मोनेटाइज हो, अच्छे खासे रिस्पॉन्स मिले। वीडियो को सभी लोग शेयर करो जितना हो सके, और वीडियो को लाइक करो और उनकी वीडियो को वॉच करो। हो सकेगा वो अपने हस्बैंड की जर्नी अपने यूट्यूब पर शेयर करेंगी, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है, आगे वो खुद मेहनत करेंगी, खुद आगे बढ़ेंगी दोस्तों। खाली हम आपको प्रिया की बातें और प्रिया का सिचुएशन जो है, जो स्थिति है, वो आप तक पहुंचाने की बस मेरी कोशिश है और कुछ नहीं। मैं कोई व्यू के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, बस प्रिया की हेल्प करने के लिए वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। तो सभी से हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है, प्रिया वीरू के चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें। और सारे यूट्यूबर, जो बड़े यूट्यूबर हैं चाहे छोटे यूट्यूबर हैं, मैं जितना मेरे फ्रेंड सर्कल में है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी सब लोग वीडियो बनाए, भले आपके 50 ही सब्सक्राइबर हो, अगर 50 में अगर 2-3 भी उस सब्सक्राइबर प्रिया वीरू के पास जा रहे हैं दोस्तों, तो उससे भी बहुत बड़ी हेल्प होती है। बोलते हैं ईट ईट से घड़ा भरता है, जो भी है, अगर मैं गलत बोल रही होंगी तो सॉरी दोस्तों। तो इसी तरह आप लोग हेल्प करें एक दूसरे का दोस्तों। आज मुझे लगा कि मुझे हेल्प करना चाहिए, प्रिया के लिए वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जब से मेरी इंस्टा पे आईडी पे बात हुई है, प्रिया का रोना, प्रिया की सासू माँ का रोना, उसकी बच्ची, सब मेरे दिमाग में घुस रहा है और मेरे से रहा ही नहीं गया कि मैं वीडियो ना बनाऊँ। जो कि मैं खुद एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा व्यू भी नहीं आता है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि प्रिया की हेल्प हो। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, यहाँ भी मैं प्रिया के थोड़े बहुत वीडियो भी डाल दूँगी बाजू में, आप लोग देख लीजिएगा, और इंस्टा आईडी भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और प्लीज़ जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी फ्रेंड हैं, यूट्यूबर हैं, अगर हो सके दोस्तों मेरी बहनों, आप लोग भी वीडियो बनाए और प्रिया वीरू की हेल्प करें ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश कर सके, आगे बढ़ सके। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी दोस्तों, क्योंकि मैं अगर बोलने लगूँगी तो बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो आप लोग बोलोगे कि इतना पका डाली। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को मैं यही डी एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग ने मेरी पूरी बात को सुना होगा, समझा होगा, और आप इसी वक्त ज़रूर जाएंगे प्रिया वीरू सर्च करेंगे और उनके चैनल को सपोर्ट करेंगे। आगे क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो धन्यवाद। अब मैं आप लोग से लेती हूँ विदा और मिलती हूँ मैं अपने अगले न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सभी लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, अपने प्यार परिवार का ख्याल रखो। भगवान न करे किसी भी फैमिली के साथ, किसी भी परिवार के साथ ऐसा हो, मेरी भगवान से यही दुआ है। सब लोग हैप्पी रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बाय बाय।